दोस्तों, जब भी हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपनी फिजिकल हेल्थ पर होता है, पर बहुत ही कम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। हार्वर्ड टीएचएन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी के अकॉर्डिंग डेली सिर्फ 15 मिनट रनिंग करना या 1 आवर के लिए वॉकिंग करना फ्यूचर में कोई मेजर डिप्रेशन होने के रिस्क को 26% तक कम कर देता है। पर जैसे हम ये जानते हैं कि डेली जंक फूड खाने से हमारी बॉडी और फिजिकल हेल्थ बहुत डैमेज हो जाती है, वैसे ही कई हैबिट्स ऐसी हैं जो हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। और आज हम आपको ऐसी हैबिट्स बताएंगे जो आपके ब्रेन को बहुत डैमेज कर रही है, ताकि समय रहते आप उन्हें ठीक कर पाए। सो नंबर 1, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। ये हम सब जानते हैं कि ज्यादा शुगर इंटेक हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस है, जिससे हमें डायबिटीज, डेंटल कैविटीज और एक्सेसिव वेट गेन होने का खतरा होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा मिठाई खाने से आपके ब्रेन को क्या इफेक्ट हो सकता है। वेल, ज्यादा टाइम तक बहुत ज्यादा शुगर इंटेक से हमारी बॉडी की प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी कम होती जाती है, जिससे हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारी ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारे ब्रेन सेल्स को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, और इसी वजह से हमारी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। स्लीप हमारी बॉडी और माइंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम बहुत ही लंबे टाइम तक अपनी बॉडी और माइंड को यूज नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के बाद हमें भी रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि हमारी एनर्जी बार बार रिचार्ज हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सोने के वक्त हमारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप दिन में अपने ब्रेन का यूज करके जितनी भी एक्टिविटीज करते हो, उन सभी को प्रोसेस करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की जरूरत होती है, जो अगर आप नहीं करोगे तो आपके सेल्स का साइज डिक्रीज होने लगेगा। Neglecting your hearing। क्या आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं? क्या आप घंटों तक हेडफोन्स लगा के रखते हैं? आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत कम लोग अपनी हियरिंग का ध्यान रखते हैं। नॉइस पोल्यूशन काफी बढ़ता जा रहा है। जब आप ड्राइव करते हैं, आप कार्स के हॉर्न्स की आवाज सुनते हैं। जब आप बाय फ्लाइट ट्रेवल करते हैं तो आप जेट इंजन्स की आवाज सुनते हैं। और जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप फुल वॉल्यूम के साथ अपने ईयर ड्रम्स पर इफेक्ट डालते हैं, और इसी वजह से हियरिंग लॉस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि अपने बिजी शेड्यूल में आपका ध्यान अपने ईयर्स की तरफ ना जाता हो, पर यकीन माने आपकी हियरिंग पावर और मेंटल पावर दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो अपने ईयर्स और ब्रेन का ध्यान रखें। ईयर प्लग्स, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करें, और हो सके तो म्यूजिक प्ले करते टाइम उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम रखें, अराउंड 50%, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवर ईटिंग वेट गेन का सबसे मेन रीजन है, जिससे हमें अपनी फिजिक की वजह से कई प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं, ओवर ईटिंग की हैबिट आपके ब्रेन को बहुत सीरियसली डैमेज कर सकती है। बहुत ज्यादा खाना खाने से हमारे ब्रेन की आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज को बहुत हार्म करती हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक हाई कैलोरी डाइट फॉलो करने से हमारे मेमोरी लॉस के चांस बढ़ जाते हैं। 2012 में जर्नल न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश करी गई थी, जिसमें 6000 एवरेज लोगों को एग्जामिन करा गया था। उनके वेट और कॉग्निटिव फंक्शंस को टेस्ट करा गया, और उन्हीं लोगों को जब 10 साल बाद एग्जामिन करा गया तो ये पता चला कि जो लोग ओवरवेट थे, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस 22% तक डिक्रीज हो गए थे। स्लीपिंग विद योर हेड अंडर द कवर। ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2% पार्ट कवर करता है, पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि बॉडी की टोटल ऑक्सीजन सप्लाई में से हमारा ब्रेन टोटल 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। आपका एयर इंटेक जितना कम होता है, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा डैमेज होता है। तो जब आप सुकून से सारी लाइट और लाउड म्यूजिक को अवॉइड करके ब्लैंकेट के अंदर सो रहे होते हो, आपके ब्रेन को सफिशियंट 20% ऑक्सीजन का एक्सेस नहीं मिल पाता है, जो आपके ब्रेन सेल्स को बहुत डैमेज करता है। इसीलिए जब भी आप सोएं तो ये ध्यान रखें कि आपका फेस ब्लैंकेट के अंदर ना हो, ताकि आपका ब्रेन ऑक्सीजन को इनहेल कर पाए। सोशल नेगलेक्ट। आजकल हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन्स के सामने बैठ के गुजारते हैं, चाहे वो आपका फोन हो, कंप्यूटर हो या टैबलेट्स। हम लोगों से जूम और फेस टाइम पर तो बातें करते हैं, पर जो बात अपने दोस्तों और रिलेटिव से फेस टू फेस बात करने में है, वो बात फेस टाइम में नहीं। सच तो यह है कि हमारा ब्रेन सोशल इंटरेक्शन चाहता है, क्योंकि हम ह्यूमंस एक सोशल क्रिएचर हैं, और सोशलाइजिंग से हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग इंक्रीज होती है। अगर हम बिना सोशलाइज करे काफी दिन रहेंगे तो हमारा ब्रेन ग्रोथ, हैप्पीनेस और सोशल फुलफिलमेंट नहीं अचीव कर पाएगा। तो दोस्तों, अपने काम को लेकर पैशनेट होना अच्छा है, गोल्स का पीछा करना अच्छा है, बट आप कितने भी बिजी हो, आपको सोशलाइज करने के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। मल्टीटास्किंग। आपने ये सुना होगा कि मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और इतने सारे टास्क को एक साथ करने से आपका ब्रेन बहुत एनर्जी ड्रेन कर देता है। MIT के न्यूरोलॉजिस्ट अर्ल मिलर कहते हैं, आवर ब्रेन इज नॉट वायर्ड टू मल्टीटास्क वेल।
जब लोगों को लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वो दो या तीन काम एक साथ नहीं कर रहे होते, बल्कि वो इन टास्क के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, जो उन्हें ये इल्यूजन देता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि रियल में हमारा ब्रेन रियल टाइम में कभी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। और साथ ही ये देखा गया है कि जब भी हम मल्टीटास्क करते हैं, हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और साथ ही फाइट हार्मोन एड्रेनालिन को रिलीज करता है, जो हमारे ब्रेन में मेंटल फॉग क्रिएट कर देता है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट। कई लोग अपना टाइम बचाने के लिए या डाइटिंग मेंटेन करने के लिए ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि दिन की सबसे पहली मील को स्किप करना उनके ब्रेन को बहुत डैमेज कर देता है। लॉन्ग नाइट स्लीप के बाद आपके ब्रेन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और अपने ब्रेकफास्ट को मिस करने से आप इस जरूरत को पूरा नहीं करते। जापान में 80,000 लोगों पर 15 साल तक एक स्टडी करी गई थी, जिसमें यह देखा गया कि जो लोग कंसिस्टेंटली ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे थे, उनके हार्ट स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज्यादा थे। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट्स कभी ब्रेकफास्ट मील्स को मिस नहीं करते थे, वो लोग बाकी स्टूडेंट्स से बेटर परफॉर्म करते थे। सो नेक्स्ट टाइम अपने काम पर, स्कूल या कॉलेज जाने से पहले कुछ ना कुछ खा कर जाएं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत से लोग अपनी ब्रेन को काफी सारी इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक साथ काफी सारी चीजें याद रख सकते हैं, और उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। हमारी तरह हमारे ब्रेन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एक टाइम पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आपने 40-50 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें आपको ग्रोसरी स्टोर से परचेस करना है, और क्योंकि आपको एक साथ काफी चीजें याद रखनी है तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई आइटम जरूर भूल जाओगे। पर अगर आपकी लिस्ट में सिर्फ 5 आइटम्स ही हो तो आप उनमें से एक भी चीज नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ आपके ब्रेन के पास काफी कम इन्फॉर्मेशन है याद रखने के लिए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक तरह का अननेसेसरी स्ट्रेस है जो सिर्फ आपके ब्रेन को डैमेज ही करता है। तो अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क है तो उसे डिवाइड करके छोटा कर लें, जिससे आपका ब्रेन अलर्ट और स्ट्रेस फ्री रहेगा। पर्सनल लिमिटेशंस। हर एम्बिशियस इंसान परफेक्शन ढूंढता है, और उसके अलावा वो किसी और चीज से सेटिस्फाई नहीं होता। हम ऐसे लोगों को बहुत एडमायर करते हैं जो एक चीज को लेकर काफी ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, और उनको देखकर हम भी चार्ज्ड अप हो जाते हैं। पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या क्या चाहते हो, आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और उन आवर्स में हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ ओवरनाइट अचीव कर लोगे तो अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं बस डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी, और आप अपनी पर्सनल लिमिटेशंस को कभी जान ही नहीं पाओगे। पर्सनल लिमिटेशंस एक इमेजिनरी बाउंड्रीज होती हैं, जो बताती हैं कि आप अपने ब्रेन को ओवरलोड किए बिना कितना काम कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह के वर्कर हो, आपको अपनी पर्सनल लिमिटेशंस पर ध्यान देना चाहिए, वरना आपको निराशा ही मिलेगी, और उन कॉन्टिन्यूस फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट से आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करके डिप्रेशन तक में जा सकते हो। माइंडलेस प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे गोल्स को हमसे दूर ले जाता है। पर हमें लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ हमारे आउटसाइड वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, हमारे फ्यूचर गोल्स को पूरा नहीं होने देता। पर सच तो ये है, जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप अपने सेल्फ कंट्रोल को और डैमेज कर देते हो, और फालतू चीजों में टाइम वेस्ट ना करके अपने काम पर फोकस करना आपके लिए और मुश्किल होता जाता है, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी हैबिट बन जाती है और आपको लगता है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, पर रियलिटी में आपके लिए ये बहुत टफ होता जाता है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करता रहता है। सेल्फ कंट्रोल मेंटल स्ट्रेंथ और एक मसल की तरह है, जिसे आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, मगर प्रोक्रेस्टिनेट करके आप इस मसल को और डैमेज करते रहते हैं। इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर है, सो पानी हमारी बॉडी और ब्रेन के सही से फंक्शंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके ब्रेन की वाटर नीड्स हमेशा फुल रहती है, तो उससे आपकी थिंकिंग स्पीड बढ़ जाती है, आप ज्यादा फोकस्ड रहते हो, और आपकी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। पानी साथ ही न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने और टॉक्सिन्स को रिमूव करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस डिक्लाइन होने लगते हैं, आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, और आप ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। सो ये जरूरी है कि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।